आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए ये बॉल है हमारे पास, ओके, ये हमारे पास बॉल है, इसको जब हम लिक्विड में डालते हैं, वाटर है मान लीजिए लिक्विड, तो इसको अगर हम लिक्विड में डालेंगे तो ये इस पर तैरेगा या इस तरीके से डूब जाएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, तो जो आर्किमेड्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी अगर कहा जा सकता है कि जो अगर हम बॉल जो होता है अगर हम लिक्विड में डुबोते हैं तो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ओके, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उतना उस वेट का लिक्विड जो है उतना वॉल्यूम इनटू वेट ऑफ लिक्विड, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे आपको समझाते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बॉल है, बॉल को अगर हम डुबो दिए और ये इस तरीके से इतना पोर्शन इसका डूब गया वाटर में, तो जितना वाटर जितना जो है डिस्प्लेस होगा यहाँ से, वो क्या होता है, ये जो वॉल्यूम अगर भी है तो रो ऑफ वाटर इनटू भी के बराबर होता है, ये हमारा हो जाता है, ये तो ये हमारा मास है, ओके, इनटू जी, इतना के बराबर वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, इतना वेट के बराबर। और कोई भी चीज़ जो है वो डूबेगा या तैरेगा या कम्प्लीटली डूब जाएगा, तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, ओके, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो ऑब्जेक्ट है डूब जाएगा, ओके, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर है उस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लिक्विड पे पूरी तरह ना डूबेगा ना ही पूरा ऊपर होगा, हल्का सा डूबा होगा और उस पर तैर रहा होगा, सबमर्ज होगा हल्का सा, मतलब कि किसी किसी केस में क्या हो सकता है, बिल्कुल ही थोड़ा सा ऊपर पोर्शन बचा होगा और वो जस्ट तैर रहा होगा। अगर रो ऑफ सॉलिड जो है लेस देन रो ऑफ लिक्विड है तो पार्टिकल क्या होगा, फ्लोट होगा, तैर रहा होगा सीधा, ओके, तो डेंसिटी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो दोनों सॉलिड और लिक्विड का जो डिफरेंस है डेंसिटी का, उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है तैरेगा या डूब जाएगा किसी भी लिक्विड में, ओके, मास या शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी भी शेप का हो किसी भी मास का हो, उसका डेंसिटी जो होना चाहिए वो लिक्विड के डेंसिटी से कंपेरिजन करेंगे, और अगर ज़्यादा होगा तो सॉलिड डूब जाएगा, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड बराबर होगा लिक्विड के तो जो है कुछ पोर्शन डूबा रहेगा कुछ पोर्शन ऊपर रहेगा वो लिक्विड के, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो जो बॉडी है वो तैरता है। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। ओके, थैंक्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।